देखिए, अभी भी हमको सूचना मिली है कि भीलवाड़ा से चलकर कुछ लोग हैं जो अजमेर के अंदर आ चुके हैं, अजमेर की सीमा के अंदर एंटर हो चुके हैं, और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनको यहाँ पर तुरंत प्रभाव से रोक लिया गया है। मेडिकल की जो टीम है, दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। सर्वे टीम है, डॉक्टर है, वो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर बुला ली गई है, वो टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। इन गाड़ियों से, इनके जो गाड़ी के अंदर जो लोग अभी आए हैं इस वक्त, उनसे पूछताछ बराबर हो रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि वो अभी इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं, किस काम से आ रहे हैं। उन्होंने अपने कारण भी बताए हैं, लेकिन पुलिस ने पहले तो तुरंत प्रभाव से उनका जो उनके वाहन है उसका चालान काट दिया है, और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से भीलवाड़ा से उन लोगों को अजमेर की सीमा में आना अलाउड नहीं है। मेडिकल की जो टीम है उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है, और अब कलेक्टर के आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इनका आगे करना क्या है, इनको भेजना कहाँ पर है। जो टीम है, मेडिकल की जो टीम है, उन्होंने अपने सर्वे को फिलअप फॉर्म को फिलअप करवा लिया है, और सर्वे फॉर्म के अंदर इनकी जो तमाम जानकारियां हैं, जिसमें इनसे पूछा गया इनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहाँ से ये आ रहे हैं, इनके इन्होंने कोई विदेश की यात्रा पिछले पिछले दिनों की है या नहीं की है, इनके सिम्टम्स के बारे में, जो कुछ जो खांसी जुकाम बुखार जैसे सिम्टम्स है, क्या वो इनको हैं या नहीं है, इसके साथ में इनकी तमाम जानकारी कि इनके घर के अंदर से कोई परिवारजन विदेश से आया है या कोई और बाहर से आया हुआ है, या ये किस इलाके में रहते हैं, ये तमाम जानकारी मेडिकल की टीम ने सर्वे फॉर्म के अंदर भर ली है। उसके साथ साथ तुरंत प्रभाव से, जैसे ही इनकी गाड़ियां आई और जैसे ही पता चला है पुलिस को कि यहाँ पर ये भीलवाड़ा से आए हैं, तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है जो सैनिटाइज कर रही है इस वक्त, उस गाड़ी को बुला लिया गया है, इनके वाहन को सैनिटाइज किया गया है, आसपास के पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। उसके साथ ही एक सूचना अभी अभी हमको ये भी मिल रही है कि आदर्श नगर थाने के पास में, वहां पर भी भीलवाड़ा से कुछ लोग आए हैं, उनको वहां पर ही रोक दिया गया है, वहां पर पुलिस ने सख्ती कर दी है, नाकाबंदी पूरे शहर में इस वक्त बनी हुई है, और पुलिस गहन पूछताछ के बाद ही किसी को भी बाहर जाने की इजाजत दे रही है। यानी कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं केवल उन्हीं लोगों को इस वक्त अलाउड है, और जिन लोगों को अस्पताल जाना है या फिर बेहद जरूरी काम है, दूध की डेयरी तक जाना है, सब्जी लेने जाना है, उन्हीं लोगों को अलाउड इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन एक सीमा के अंदर अलाउड किया जा रहा है। बाकी सभी लोगों को घर पर ही रहने का अपील भी पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन भीलवाड़ा वाला जो ये अभी मामला सामने आया है, ये बेहद चिंता का विषय है कि भीलवाड़ा से लोग इस तरीके से अजमेर तक पहुंच चुके हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी हमको इस वक्त मिली है, जो मेडिकल की टीम ने हमको बताया है कि मेडिकल की टीम ये बता रही है कि ये जो लोग भीलवाड़ा से अजमेर आए हैं, ये इनफर्टिलिटी जो होता है उसके इलाज के लिए आए हैं, जबकि ये इलाज जो है ये एक महीने बाद भी करवाया जा सकता था। और जैसे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही अपील कर रहे हैं प्रदेशवासियों से, शहरवासियों से, कि जब तक आपको कोई मेडिकल की ऐसी इमरजेंसी ना हो कि आज ही आपको अस्पताल जाना पड़े, बहुत ज्यादा तबीयत आपकी खराब हो तभी आप अस्पताल जाइए, अन्यथा आप अगर कोई इलाज 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हो सकता है, उस इलाज के लिए आज अस्पताल मत जाइए। तो ये जो मामला आया है ये उसी तरीके से जुड़ा हुआ मामला है, और इसको कहीं ना कहीं अब प्रशासन में सख्ती से पेश आए लोगों के साथ में। एक युवक और है जो 2-व्हीलर के ऊपर भीलवाड़ा से आ गया है, उस युवक का भी चालान काटा जा रहा है, उस युवक का भी मेडिकल टीम फॉर्म सर्वे कर रही है, फॉर्म भरवा रही है, उससे फिलअप कर रही है, पूछताछ कर रही है। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि गोटे के काम करने वाला एक शख्स है अजमेर के अंदर, उसके वहां पर 6 महीने से काम करता था। मेडिकल की टीम और पुलिस दोनों ही टीम ये पता कर रही है कि वाकई ये जो युवक बात बता रहा है ये सच है या नहीं है। इसके बाद आगे की कार्रवाई जो होगी वो कलेक्टर के आदेशानुसार की जाएगी, और मेडिकल और पुलिस दोनों ही टीमों को अब कलेक्टर के अगले आदेश का इंतजार है कि इन लोगों को वापस अपने कौन से स्थान पर रवानगी करनी है, उनको अजमेर में ही रवाना करना है या फिर दोबारा इनको भीलवाड़ा भेजना है। मुझे कलेक्टर पर सर से सूचना मिली कि दो लोग जो हैं एक हस्बैंड वाइफ जो हैं वो भीलवाड़ा से आए हैं, तो आप उनका आके चेकअप करो कि हमको एंट्रेंस देनी कि नहीं देनी है। ये जो है योगेश हैं और इनकी पत्नी का नाम शिल्पा है, ये दोनों जो अजमेर में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है परिवार फर्टिलिटी पे, लेकिन क्योंकि भीलवाड़ा के लोगों को परमिशन नहीं दे सकते हैं तो हमारे चिकित्सा विभाग से तो इनको एंट्रेंस नहीं दी गई है। बाकी जो है कलेक्टर साहब इसका डिसीजन लें कि इसको क्या करना है। एक और व्यक्ति है, नैना लाल जी हैं, ये भीलवाड़ा में रहते हैं, ये कह रहा है कि 6 महीने से अजमेर में रुका हुआ है। अब जिसके ये काम कर रहा था ओम जी गोटा वाला, उनसे अपन सूचना ले रहे हैं कि ये वास्तव में ही 6 महीने से अजमेर है क्या, और ये भीलवाड़ा जाना चाहता है। मैडम ये इन्होंने क्या बताया, किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं ये? इनफर्टिलिटी का बच्चा नहीं है, इनके तो आज एम्ब्रियो ट्रांसफर है इनका।
तो इनको एंट्री दे देंगे। इनके पास था क्या सर जो मैन बुक जिला कलेक्टर वाला? भाई कैसे लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? इतनी आपको कंडीशन पता है, अगर हम ही नहीं लेंगे प्रोटेक्शन तो फिर कौन लेगा ये काम? तो ये इमरजेंसी नहीं है, देखिए ये इमरजेंसी नहीं है, इट्स नॉट इमरजेंसी। अगले महीने भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, खुद की जान से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरी हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है, आपका परिचय बताइए। मैं डॉक्टर पुष्पतागढ़ कस्तूरबा हॉस्पिटल। सूचना नहीं है, हमारे ट्रैफिक जो पॉइंट पे लगे हुए हैं कार्रवाई कर रहे हैं। अभी स्टेशन रोड कलक्टर के सामने जो हमारा ट्रैफिक पॉइंट है वहाँ भी एक फोर व्हीलर है और टू व्हीलर है जो भीलवाड़ा के, उनको रोका गया है और उनका एमवी एक्ट के तहत चालान बना गया और मेडिकल टीम को बुला करके उनकी जाँच की जा रही है कि उनके नेगेटिव आया जा रहा है, पॉजिटिव है। मेडिकल विभाग जो कार्रवाई कर रहा है उसकी कार्रवाई चालू है और हमने इनके एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करके और इनका चालान किया है। मैडम इसके बावजूद भी वो यही लोग बता सकते हैं कि ये किस तरह से आए, लेकिन अपने यहाँ आए तो अपन ने इनको रोक करके इनकी कार्रवाई है जो लीगली है वो कर रहे हैं। मेडिकल टीम बिल्कुल है, खड़ी है क्लॉक टावर के सामने जो इनकी जांच वगैरह कर रही है। अब इनमें क्या रिजल्ट आया है वो वही लोग बता पाएंगे। मेडिकल टीम ने तो पूर्ण तरीके से मना कर दिया, एंट्री नहीं। हाँ तो वो उनका नहीं, किस चीज़ की ये इनकी ना एंट्री नहीं है तो इसीलिए चालान करके वापस इनको रिटर्न किया जा रहा है। यस नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।